नारकोटिक्स विभाग ने भी तेज कर दी है जांच, क्योंकि जाहिर तौर पर अब एनसीबी का भी इसमें अहम रोल है। जिस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव किए गए हैं उसमें रिया ड्रग्स की बात करते हुए दिखाई दे रही है। इस एंगल, इस पहलू पर भी अब जांच काफी अहम है, क्योंकि कई ऐसी धाराएं हैं जो रिया पर लग सकती हैं अगर ये साबित हो जाता है कि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए या फिर ड्रग्स पार्टी के लिए या फिर सुशांत को देने के लिए किसी से ले रही थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि की जानी है। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, ईडी की जांच कहां तक पहुंच थी और अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या अब एक बार फिर से ईडी रिया से पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, रिया से फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जया साहा जिनका नाम ड्रग एंगल जो अब सामने आया है ईडी की तफ्तीश में व्हाट्सएप चैट्स में, जया साहा ने परसों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक करीब 10 करोड़ रुपए का काम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दिलाया था अलग अलग एंडोर्समेंट्स और इवेंट्स के थ्रू, और ये 10 करोड़ रुपए ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 10 करोड़ रुपए अगर आए, अगर उनको पेमेंट हुई, उन्होंने काम किया, तो ये 10 करोड़ रुपए गए कहाँ, इस बारे में अब तफ्तीश चल रही है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं उनके साथ ईडी के अफसरों ने एक्सिस बैंक व कोला ब्रांच में उनके लॉकर की तफ्तीश की। जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी वहां पर बिलोंगिंग्स थे, सारी चीजों की लिस्ट बनाई गई, पर अभी तक जो 15 करोड़ रुपए का आरोप था उस बारे में कोई पुख्ता सबूत जुटा नहीं पाई है, कोई भी एजेंसी नहीं जुटा पाई है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। अभी तक 15 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर, उस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करीब दर्जन लोगों से ज्यादा पूछताछ करने के बाद यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की इनकम सुशांत सिंह राजपूत की थी। हो सकता है कि 15 करोड़ का फिगर ना हो, कम हो या ज्यादा हो, बट वो जो फिगर है या पैसा है सुशांत सिंह राजपूत का, वो कहां कहां गया, कहां कहां खर्च हुआ, फोरेंसिक ऑडिटर से भी इस बारे में मदद की जा रही है। और इसके अलावा अन्य लोग जो भी सुशांत के साथ जुड़े हुए थे, जैसे रूमी जाफरी शम्स ने जो बताया कि रूमी जाफरी के साथ उनकी फिल्म की डील होने वाली थी पर फिल्म के पैसे अभी नहीं मिले थे, अभी कोई भी साइनिंग अमाउंट सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली थी, इस बारे में भी रिया से फिर से पूछताछ की जा सकती है। शोविक से पूछताछ हो चुकी है, इंद्रजीत से पूछताछ हो चुकी है और अन्य जो भी लोग जुड़े हुए थे सुशांत के साथ, श्रुति मोदी, जया साहा, दीपेश सावंत, केशव बचनेर, सिद्धार्थ पिठानी, इन सारे ही लोगों से पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर कर चुके हैं। इन सारे लोगों के फोन भी खंगाले गए हैं। आपको बता दें कि फोन जब रिया का खंगाला गया तभी ये व्हाट्सएप चैट्स जिसमें नारकोटिक ड्रग्स बैंड सब्सटेंसेस का जिक्र था ये सामने आया, और उसके बाद एनसीबी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है एंटी नारकोटिक्स के लिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और तब जाके एनसीबी ने केस रजिस्टर कर इसकी जाँच शुरू की। गौरव आर्या जो जिनका नाम अब सामने आ रहा है, वो रिया से जुड़े हुए थे, रिया के संपर्क में थे, उन्हें भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही जल्द पूछताछ के लिए बुलाने वाली है मुंबई अपने दफ्तर में, और उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्या वो रिया के साथ कैसे संपर्क में थे, क्या किसी तरीके की डीलिंग हुई थी, क्या किसी तरीके के पैसे का लेन देन हुआ था, ड्रग्स के अलावा जो भी फाइनेंशियल एंगल है उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पता लगाने की कोशिश करेगी। सीबीआई आज पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से। जिस तरह से ये पूरी तस्वीर केस की उभरी है और बीते 2 महीने के वक्त में जितने उतार चढ़ाव इस केस ने देखे हैं, बॉलीवुड ने एक तरह की दूरी बनाई है लगातार इस केस से। अगर हम लार्जली बात करें, एक या दो लोगों को छोड़ दें, तो बड़े स्तर पर बॉलीवुड ने, खासतौर पर बड़े सितारों ने, कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से एक दूरी बढ़ती है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुशांत के परिवार और रिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि ड्रग्स का एंगल जिस तरह से आया है और जिस तरह से ये नेटवर्क की बात हो रही है कि एक बड़ा नेक्सस हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व है, आने वाले दिनों में इस तस्वीर को क्राइम के एंगल से आप किस दिशा में आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ड्रग्स वाली जो बात है बॉलीवुड के लिए नई चीज नहीं है। यहाँ पे सभी को मालूम है कि जो पार्टियां होती हैं उसमें किस किस चीजों का इस्तेमाल होता है, कौन से ड्रग्स के होते हैं, बल्कि मैं आपको ये भी कहूँ कि वो नाम भी पता है, हम जैसे लोगों को भी वो नाम पता है कि यहाँ के टॉप 5 कौन है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहीं कुछ लोग हैं जो फिल्म पर्सनैलिटी को ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं और ये ओपन सीक्रेट है। हैरत इस बात पर होती है कि जब मीडिया तक वो नाम मालूम है, मीडिया के पास सबूत है, कई बार खबरें भी चली हैं,
तो फिर पुलिस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? शायद इसकी वजह है कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ, बल्कि कई ऐसा हो कि बड़े बड़े जो पुलिस अफसर हैं उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को बुलाया गया बाकायदा सिर्फ ड्रग्स के लिए, और बुलाकर पूछताछ करके और यूं ही चाय पिलाकर जाने दिया गया, तो एक तरह का VVIP ट्रीटमेंट होता है। इस केस में ड्रग्स आने के बाद बॉलीवुड का एक तबका ऐसा भी है जो थोड़ा सा डरा हुआ, जहाँ कुछ बोलेंगे पता चला कि उसका भी नाम आ गया, उसकी भी पार्टी थी, कौन कौन से ड्रग्स से कहाँ कहाँ सेवन होता है और यहाँ पे लगभग ये रूटीन सा है। तो इसलिए किसी मुश्किल में ना पड़े, सभी ने दूरी बनाकर रखी है। इससे पहले नेपोटिज्म की चुके बात आ गई थी, उस पर भी फिर एक दूरी बन गई थी क्योंकि फिल्मी बरादरी की बात ही हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें, और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का इस्तेमाल, ये मतलब अगर, बल्कि यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई स्टार, अगर कोई फिल्म पर्सनैलिटी ड्रग्स लेने से मना करते हैं तो उस पर हंसते हैं, यार तुम मतलब क्या हो, कहाँ से आए हो, छोटे शहर के हो शायद। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर के अलावा एक ड्रग्स के साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता बनाया हुआ, और ये सारी चीज़ें पता है। देखना ये है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या, हालांकि इस मामले में FIR इसी मामले में दर्ज हुआ है, लेकिन NCB वो एजेंसी है जो पूरे देश में ड्रग्स चाहे कहीं भी इस्तेमाल हो, ड्रग्स का कहीं भी व्यापार हो, वो सीधे एक्शन ले सकती है। तो क्या NCB इस मामले में सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके इर्द गिर्द ही अपना दायरा रखेगी, या फिर इस जाँच का सिरा पकड़कर वो बॉलीवुड के अंदर उन लोगों तक पहुँचेगी जो पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ये बड़ी बात होगी। पर मुझे लगता नहीं है कि NCB इस वक्त ऐसा करेगी, वो सिर्फ इस केस पे फोकस करेगी, जांच करेगी और फिर यहाँ से निकल जाएगी।